नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संबल के थाना हयातनगर में पीस पार्टी की तरफ से कांवड़ियों का स्वागत किया गया। इसमें जिला संबल के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर कैंप का स्वागत किया व लोगों द्वारा अच्छा कार्य किया जाने को लेकर केमछे जिला उपाध्यक्ष हाजी असलम साहब, शांति व्यवस्था में नियुक्त एसपीओ जी शान का नादिर भाई इमरान तुर्की साहब, हाजी आदि लोगों का हौसला अफजाई की व कैंप के सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें फल पानी वितरण किया और कैंप के ऊपर दवाइयां भी उपलब्ध रहीं, जिसमें हयातनगर से विपिन कुमार गुप्ता, अरविंद शर्मा, संजय वार्ष्णेय, हाजी अंसार साहब से और बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ भाइयों का जोरदार स्वागत किया, जिससे आपसी प्यार और हिंदू मुस्लिम भाइयों के आपस में एकता का, गंगा जमुनी तहजीब का पता चलता है। संबल संवाददाता सालिहीन अशरफी की रिपोर्ट। शान मोहम्मद खान, एसपीओ शांति व्यवस्था में नियुक्त, अपने आदरणीय डीएम साहब, कप्तान साहब का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कैंप पे, जो कि हाजी असलम साहब की तरफ से के सौजन्य से बीजेपी के लोगों के, मुस्लिम समाज के जो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने अपने कांवड़ भाइयों को मान सम्मान में स्वागत करने के लिए एक कैंप लगाया है, जिसमें फल वितरण एवं पानी संतरा देकर अपने सभी कांवड़ भाई जो जल लेकर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं यहाँ पर कैंप पे आए हुए अपने सभी भाइयों की तरफ से अपने आदरणीय डीएम साहब और कप्तान साहब के लिए ये शेर कह रहा हूँ कि देश की उन्नति के काम करो, देश की उन्नति के लिए काम करो, अपने भारत का ऊंचा नाम करो, एकता के लिए जो यहाँ आए हैं दिल से सभी उनका एहतराम करो। तालियों के साथ स्वागत। तो मैं अपने यहाँ के जो भी कांवड़ भाई जल लेकर आ रहे हैं, मैं अपने मुस्लिम समाज की तरफ से उनका सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाजी असलम साहब जिला उपाध्यक्ष की तरफ से भी इन सभी कांवड़ भाइयों का बहुत बहुत वेलकम और हमारी सराय तरीन के सभी मुस्लिम समाज की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत।